स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बैरियर के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे IRC 5 में बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि बैरियर कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम क्या है और उनको हमारे ब्रिज कंस्ट्रक्शन या फिर हमारे फ्लाईओवर में किस तरीके से लगाया जाता है और किस लोकेशन पे सेट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने बैरियर की तरफ और जानते हैं हमारे बैरियर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे बैरियर 3 टाइप के होते हैं। जो पहला हमारा आता है फ्लेक्सिबल बैरियर, फिर दूसरा आता है हमारा सेमी रिजिड बैरियर, फिर तीसरा आता है हमारा रिजिड बैरियर। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे और ये कहाँ पे लगाए जाते हैं। तो पहला हमारा है फ्लेक्सिबल बैरियर। फ्लेक्सिबल बैरियर क्या होता है, जब हमको कभी टेम्परेरी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना होता है तो वहाँ पे वायर रोप का यूज करते हैं और वो वायर रोप लगा के हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, जैसा हमको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ पे कुछ अगर काम करना है तो हम वहाँ पे वायर रोप बैरियर लगा के उसको टेम्परेरी रोक सकते हैं। ज्यादातर से आपने देखा होगा हमारी ट्रैफिक पुलिस ने ये वायर रूप बैरियर लगा के अपने ट्रैफिक को स्मूथ बनाते हैं और उनको अगर किसी को पास देना होता है तो जिसको होल्ड करना होता है वहां पे इसका यूज करके अगले को पास कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा फ्लेक्सिबल बैरियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है सेमी रिजिड बैरियर। सेमी रिजिड बैरियर आप देख रहे हैं, मैं एक साइड पे हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक बैरियर लगाया गया है। इस बैरियर को ही हम बोलते हैं सेमी रिजिड बैरियर। ये एक मेटल बीम बैरियर होता है जो की फ्लाईओवर या फिर हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दोनों एंड पॉइंट पे या फिर मिड पॉइंट पे इसको लगाया जाता है। इसको लगाने से हमारा ये फायदा होता है कि जो हमारी गाड़ियां हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आसानी से चलती हैं। और इसकी एक खास बात और है कि जब भी हमारा इस पे कोई इम्पैक्ट आता है तो ये मेटल बीम क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेटल बीम। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगाया गया है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इंजीनियर्स, फिर आता है हमारा तीसरा रिजिड बैरियर। ये हमारा बना होता है, आप देख रहे हैं पीछे ये हमारा स्टील है, स्टील का, और इसमें कंक्रीट मिक्स कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है, इसके अंदर स्टील है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बनाना यहाँ पे लोग भूल गए हैं। तो जो हमारा रिजिड बैरियर होता है वो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट का मिक्स होता है। अगर इस पे कोई इम्पैक्ट आता है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये क्या है, ये बहुत मजबूत है। तो इसीलिए हम इंजीनियर्स इसको बोलते हैं, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा, अगर राजा सट गिला तो हो जाए तो हार घाटा। तो ये हमारा बैरियर जो हमारा बना हुआ है रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का मिक्स है, जिससे ये बहुत मजबूत होता है। ये आप बगल में देख रहे हैं मेटल बीम जो है, इससे भी ये काफी मजबूत है। और इसको जो हमारा रिजिड बैरियर है इसको हम फ्लाईओवर और ब्रिज के ऊपर लगाते हैं कि ताकि भाई जो सेफ्टी रहे वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे और साथ ही जो हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो लोगों को इजी तरीके से दिखाई दे कि आपको इसी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलना है। अब इन सभी बैरियर को लोकेशंस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इसको हम रेलवे लाइन में भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में भी यूज करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे ज्यादा यूज करते हैं जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे डाइवर्जन दिया जाता है। तो इन्हीं की मदद से चाहे हमारा वो सेमी रिजिड हो या फिर हमारा रिजिड बैरियर हो, इन दोनों में से कोई सा भी वहाँ पे एज पर ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पे इसको सेट किया जाता है। तो इंजीनियर साहब चलते हैं, आपको मैं मिडिल बैरियर दिखाता हूँ कि मिडिल बैरियर हमारा कहाँ पे लगता है, वो किस तरीके से होता है। तो इंजीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मिडिल बैरियर के बारे में जानते हैं, तो मैं एक हाईवे पे मिड पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे मिडिल बैरियर का यूज किया गया है। उसको IRC 5 के अकॉर्डिंग किस तरीके से बनाया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक मिड पॉइंट है हमारे हाईवे का, और यहाँ पे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे मिडिल बैरियर बनाया गया है। अब ये हमारा मिडिल बैरियर भी हमारा रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का बना हुआ है जो कि काफी मजबूत होता है। आप जानते ही हमारा जो RCC मेंबर होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, तो वो भी बनाया गया। अब मिडिल बैरियर में एक खासियत ये होती है कि दोनों साइड से हमारे एक इस साइड से और दूसरे साइड से दोनों साइड से दो मिडिल बैरियर बनाए जाते हैं, जिसमें बीच में हमारे कुछ सॉइल का फिलिंग किया जाता है और उसमें कुछ इस तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ये हमारा होता है मिडिल बैरियर। अब इनका हाइट जो होता है हमारा मिडिल बैरियर का वो 1100 mm का हाइट का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बैरियर क्यों लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है मिड पॉइंट में कि जो हमारी लेफ्ट की जो गाड़ियां जा रही हैं वो सेपरेट लेफ्ट में जाएं और जो राइट में आ रही हैं वो सेपरेट राइट में आए। इनका पर्पस यही है, ये एक सेपरेट लेन प्रोवाइड करती हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि ये जो हमारे बैरियर हैं IRC 5 में बताया गया कि ये बैरियर जो है क्रैश बैरियर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जो हमारे क्रैश बैरियर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।
तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो क्रैश बैरियर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है फ्लेक्सिबल बैरियर, दूसरा आता है हमारा सेमी रिजिड बैरियर, तीसरा आता है हमारा रिजिड बैरियर। तो ये हमारे क्रैश बैरियर के पार्ट हैं और IRT 5 में इनका स्पेसिफिकेशन बताया गया है कि उनको किस तरीके से और कहाँ पे लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।